स्वागत है आपका पुनीता किचन में। आज हम नारियल की चटनी बनाने जा रहे हैं। चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। ये देखिए कैसे नारियल चटनी बनता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुनीता किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल की चटनी। देखिए चटनी बनाने के लिए क्या क्या लगता है। हमने ये नारियल ले लिया है आधा, और इसको धो के छील भी लिया है ऐसा। अगर आप चाहे तो छिलके के साथ भी पीस सकते हैं। और हमने ये चार मिर्ची लिया है, एक डंठल लिया कड़ी पत्ती का, और धनिया लिया है हरा, और आधा इंच का टुकड़ा लिया अदरक का, ये दो चम्मच दही है, और एक चम्मच जीरा है, और ये चना दाल है भूजा हुआ जो मार्केट में मिल जाता है आपको, जो दाल चटनी में डालते हैं, और ये मूंगफली भूज के हमने ले लिया है, और ये तेल ले लिया है, और ये सरसों ले लिया, और मिर्ची ले तड़के के लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे पीसने के लिए। ये देखिए हमने धो के साफ कर लिया है। हम नारियल डाल दिया है मिक्सी जार में, और कड़ी पत्ता डालेंगे, और ये मिर्ची जो है हमने सब तोड़ के डाल देंगे। चार मिर्ची लिया है, तीखे जैसे जितना तीखा खाते उतना ले लीजिए। और ये हमने दाल डाल दिया है, और ये हम मूंगफली भूज के रखी थी वो डाल दी है, और एक चम्मच जीरा डाल दिया है, और ये है दही, और ये हमने धनिया डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, इसको हम थोड़ा सा, ये हमने अदरक भी डाल दिया है, इसको हम थोड़ा सा पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसको दरदरा पीस लिया है। इसके बाद हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। ये देखिए हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। फिर इसको हम ढक्कन लगा के इसको एकदम से बारीक कर लेते हैं। देखिए हमने दरदरा पीस लिया है, इसको हम वापस पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने नारियल की चटनी को एकदम बारीक पीस लिया है, बारीक पीस लिया है। अब इसको हम इसमें निकाल देते हैं। ये देखिए अगर आपको सफ़ेद चटनी चाहिए तो इसमें हरा धनिया ना डालें। हमको हरा धनिया पसंद है इसलिए हमने डाल दिया है। देखिए हमने अपनी चटनी निकाल दिया है। ये देखिए ऐसा पीस के एकदम बारीक हो गया है। हम इसमें तड़के लगाने के लिए चलते हैं। ये देखिए हमने तड़के के लिए कलछुल रख दिया है, इसमें हम तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद ये सरसों के दाने डाल देंगे। देखिए और जब राई चटक, सरसों चटकने लगे, राई भी बोलते हैं इसको, सरसों चटकने लगे तो ये हम लाल मिर्ची डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा हींग डाल देंगे। तो हमारा ये मिर्ची और सरसों के दाने हो चुके, इसमें हम गैस बंद कर देते हैं, और इसमें हम इसको तड़का लगाने चलते हैं। देखिए ये देखिए कैसा है। इसको आप चाहे तो पतला भी कर सकते हैं पानी मिला के, और चाहे तो ऐसे भी कर, इसको इडली के साथ, डोसे के साथ, और अपम के साथ, किसी भी साथ खा सकते हैं। अगर ये रेसिपी हमारी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और बनाइएगा जरूर, बताइए कैसा बना है, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।